हेलो गाइस, जय श्री राम एंड सबको नमस्कार। तो यहाँ देखिए, दिन की सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह लड्डू कैसे डांस करते हैं, ब्रश कर रही है मजे में, और देखिए छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं। दिन की शुरुआत बच्चों से प्यारी सी स्माइल से हो जाए तो कितना मजा आ जाए। ये देखिए कितनी प्यारी सी स्माइल इसने दी है परी ने, और गप्पू शू रैक पूरा खोल के सारे जूते चप्पल निकाल रहे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ गप्पू के लिए चिल्ला बनाने बेसन का। लड्डू चिल्ला खाती नहीं है तो उन्हें कॉर्नफ्लेक्स से चोकोस पसंद है तो वो दूंगी। और सिंपल मैंने बेसन में थोड़ा सा नमक और जीरा डाला है, और गप्पू को थोड़ा सा मिर्च बहुत हल्का देती हूँ, ज्यादा नहीं, तो बस इसको उलट पलट दूंगी। और अभी मैंने इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं ऐड किया है, थोड़ा सा इसको पक जाने दूंगी, उसके बाद इसमें ऑयल ऐड करूंगी। Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. ये तो रहा बच्चों का नाश्ता तैयार। अब मैं जा रही हूँ बच्चों को नाश्ता वगैरह देने। घर की दिनचर्या ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बड़ी मम्मी मेरी सब्जी काट रही है, मम्मी अपना अलग किचन में लगी हुई है, सब लोग अपना काम वाम कर रहे हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि मैंने पेटल्स तोड़े हुए थे फ्लावर के, उसके DIY बहुत जल्दी आने वाला है। और एक चीज हाँ, तो बस थोड़ी देर में खाना पीना करने के बाद आगे बढ़ते देखिए। तो ये देखिए सपेरे भैया कैसे अपने सांप की टोकरी को लेके आए हैं और सांप के करतब दिखा रहे, तो मैं भी वहां पे गई हूँ देखने के लिए। और मेरे हाथ पे भी देखिए छोटा सा, ये कितना क्यूट सा स्नेक है, सांप का बच्चा रहता, बट मुझे बहुत दया आ रही थी, उन्होंने मेरे हाथ में ऐसे दिया। और मतलब डर तो लग ही रहा था, लेकिन जब मैंने ऐसे हाथ में लिया ना, मुझे दया सी लग गई इसके ऊपर बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लग रहा था कि काश ये भाग जाए, बट यार इन लोग की रोजी रोटी तो यही रहती है। और ये बता रहे थे मुझे कि काटेगा नहीं, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि काट वाट लिया तब क्या करेंगे। तो ये देखिए कैसे मतलब चल ही नहीं पा रहा था थोड़ा सा, इतने में तो सांप वगैरह मुझे तो कमजोर काफी था। ये तरह सांप का बच्चा, अब चलते है इंडियन कोबरा से मिलने। मैंने कभी इतने पास से किसी सांप को नहीं देखा, और ये देखिए कितना एकदम पास से। मैं भी इसका वीडियो बनाने लगी थी और ये मजाक भारी पड़ गया भाई, ये मुझ पे गुस्सा हो गया था। आगे आप देखिएगा कैसे जब इसको मैंने इस हाथ में लिया, देखिए मुझे लपेटना शुरू कर दिया था इसने, और ये मजाक पड़ गया था भारी मेरे ऊपर। और वैसे ही परेशान नहीं करना चाहिए, पर मैं परेशान नहीं कर रही थी, मैं कुछ ज्यादा वीडियो में घुस गई थी, तब उसके जीभ तक मैं उसका वीडियो ले रही थी। तो भैया बोले कि अरे आप पकड़ के देखिए इसको, ये नहीं काटेगा काटेगा करते हैं। और जैसे मैंने इसको पकड़ा है भाई, ये एकदम मतलब मेरे हाथ में से जकड़ने लगा पूरा। तो पहले तो मैं काफी डर रही थी, मैंने कहा नहीं भैया इसको परेशान मत कीजिए, तो कह रहे अरे इसको काटेगा नहीं काटेगा नहीं करने लगा। अब ये देखिए कैसे मेरे हाथ में पूंछ से धीरे 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 मेरे हाथ को इसने लपेट लिया था, तो छोड़ भी नहीं रहा था। मैंने कहा भैया इसको छुड़वाइए, क्योंकि हम मुझे तो काफी डर लग रहा था, और वाकई में मतलब बच ही गई थी मैं। बट बीच में अभी आप देखिएगा ये काफी गुस्सा हो गया था, ये देखिए भागने लगा था ये सांप, और लड्डू भी देख ही रही थी। और मैं जैसे इसके पास वीडियो बनाने के लिए गई, ये देखिए कैसे डसने के लिए आगे आ गया, बट दिमाग में था कि इन लोगों के दांत तोड़ दिए जाते हैं तो काटता नहीं है। बट यहाँ पे देखिए भागते हुए लड्डू के पास जा रहा था, और लड्डू एकदम पास में थी, भले काटेगा नहीं बट उस समय पे दिमाग में तो यही रहता है ना। और इसको देखिए ये टोकरी आदि खोली भैया छोड़ दिए ना, इसी के पास से वो भागना स्टार्ट कर दिया हूँ शाम। मुझे लगा अभी हो गया अंदर, ये टोकरी थे मजाक मजाक में भैया ने भी खोल दिया टोकरी, और ये फिर वाकई में काफी गुस्सा हो गया था, फिर फन फैला के अपना बैठ गया और मतलब भागने लगा। और सामने लड्डू ही थी, लड्डू मतलब आप देखिएगा कैसे उसके पास कितनी तेज से भाग रहा है ये, मतलब धीरे धीरे जा ही रहा था उसके पास। और ये देखिए मतलब लड्डू फिर हम लोग लड्डू के पीछे भागो जाओ, तो स्कूटर भी आ गई थी, मतलब भिड़ जाती लड्डू, तो भैया लोगों ने रोक लिया उसको। खैर सांप का खेल हो गया अच्छे से। और ये देखिए सांप को पानी वानी पिला रहे थे कि धुल रहे थे, भगवान जाने, फिर हम लोगों ने पैसे भी गेरे उनको दिए और भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। और
होप कि यार इन्हें तंग ना किया जाए, जानवर तो बेजुबान होते भाई, नहीं तंग करना चाहिए। मुझे तो बहुत दया लग रही थी। खैर कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। और हम लोग शाम को थोड़ा सा ऐसे ही, मैं इनके साथ थोड़ा सा बाहर निकली थी मैं, और घर आई तो यहाँ देखिए बढ़िया रात की तैयारी हो रही है और शिवानी बना रही है यहाँ पे। शिवानी जो कि आपको पता है कि मेरे बड़ी मम्मी की बहू है, छोटी है मुझसे, तो बना रही है पनीर की सब्जी। तो उसने सारे प्रिपरेशन कर रखा है, प्याज है, मटर है, और एक मसाला उसने बनाया है जिसमें खड़े मसाले हैं और इसी में ही अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसने सब्जी बहुत अच्छी बनाई थी। तो यहाँ पे ये पनीर वगैरह सब फ्राई कर रही है, इसमें थोड़े से आलू भी फ्राई कर रहे हैं। आलू मम्मी लोग खाएंगे अलग से, तो उन्होंने कहा कि साथ में फ्राई कर लो। तो मैं पहले सोच रही थी आलू और पनीर कौन सा मतलब डिश है, मुझे मटर ही पनीर पसंद है, आलू पनीर नहीं हो सकता कॉम्बो, ये कॉम्बो मुझे नहीं समझ में आता। तो हंसने लगी वही कि अरे नहीं दीदी, ये कॉम्बो नहीं है, आलू को बस मैं फ्राई कर रही हूँ, उसकी दूसरी सब्जी बनेगी। तो आप इनसे भी मिल लीजिए, कैसे अपने से बड़ी डॉल को खिला रही है, सुला रही है, अपने हिसाब से इसके साथ गेम खेल रही है पूरा। और मैंने कहा इसको भी कैप्चर करूंगी। ये भी कितनी मतलब है, ये भी बहुत प्यारी है, सीधी है, ये भी चंचल तो है ही बट बहुत ऐसा नहीं कि बहुत परेशान करती है। और लड़कियां वैसे भी बढ़िया होती हैं, क्यूट होती हैं, समझदार होती हैं, लड़के तो खूब शैतान होते हैं, है ना गप्पू? अब देखते तो है कितनी शैतानी हर टाइप पे करता रहता है, कभी चप्पल निकाल रहा है तो कभी मिट्टी खा, आजकल मिट्टी खाना सीख गया पता नहीं कहाँ से, लग रहा पेट में कीड़े वीड़े पड़ गए हैं, उनको भी देखा दिखाना ही पड़ेगा। मिट्टी खा रहे, दीवार खोद खोद के खा रहे हैं भाई, पपड़ी जो जम जाती है, बहुत शैतान होता जा रहा है। जो चीज मना करो वही कर रहे हैं। आजकल तो लड्डू पे लड़ाई वड़ाई भी करने लगे हैं, जो चीज लड्डू को चाहिए वही सामान इन्हें भी चाहिए। खैर ये तो भाई बहन का तो है ही शैतानी। और यहाँ सब्जी भी बन गई है, सब्जी बहुत अच्छे अरोमा दे रहा था भाई, बहुत सुगंध आ रही थी सब्जी की, मजा आ गया था। एक होता है ना कि मतलब किचन में जाओ तो खा पी चुके हैं खाना वगैरह और मेरा मन हुआ कुल्फी फालूदा खाने का। तो प्रयागराज में जो रहते होंगे कामधेनु जानते ही होंगे, कामधेनु की मिठाई वगैरह बहुत अच्छी होती है, वहां पे कुल्फी फालूदा जरूर ट्राई करना भाई। तो सुमित गए थे टोकन लाने के लिए, और उसके बाद टोकन के बाद अब यहाँ पे टोकन देंगे भैया को, अब ये बनाएंगे कुल्फी फालूदा। तो मुझे कुल्फी फालूदा में ना ये रूह अफजा वगैरह नहीं पसंद है, मुझे बहुत लोग खाते हैं सबके पसंद होती है, मुझे रूह अफजा कुल्फी फालूदा के ऊपर नहीं पसंद है। तो यहाँ देखिए मस्त कुल्फी कटने वाली है, रबड़ी कुल्फी, और यकीन मानिए ट्राई जरूर करिएगा, जो नहीं ट्राई किया है यहाँ की कुल्फी जरूर ट्राई कीजिएगा। शांति कुल्फी तो है ही अच्छी, बट ये भी किसी से कम नहीं है, बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ की कुल्फी। तो अब भैया एकदम तरीके से एकदम काट वाट रहे हैं, उसके बाद अब इसमें जाएगा फालूदा और रबड़ी। भीड़ भी अच्छी खासी थी, जैसा कि आप देखेंगे भीड़ बहुत थी, और कुल्फी भी बहुत बढ़िया थी भाई, मजा आ गया था। प्लीज ट्राई कीजिएगा यहाँ की कुल्फी। तो चलिए इसी कुल्फी फालूदे के साथ, मीठे के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।